लटकन्स आर वेरी मच इन ट्रेंड नाउ डेज, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके आउटफिट के ओवरऑल लुक को चेंज करते हैं, साथ ही साथ आपके आउटफिट को अट्रैक्टिव दिखाने में हेल्प करते हैं। सो हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निलीशा और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ब्राइडल लटकन जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में है और आप इन्हें अपने किसी भी ब्राइडल आउटफिट के साथ में इजिली मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमन लटकन फैब्रिक लटकन के बारे में। इन लटकन्स को आप अपने लहंगा के बचे हुए फैब्रिक के साथ में क्रिएट करवा सकते हैं, ब्लाउज के बचे हुए फैब्रिक के साथ में क्रिएट करवा सकते हैं, इवन आपके पास कोई अट्रैक्टिव फैब्रिक रखे हो तो उनके साथ भी मिक्स एंड मैच करके आप इन्हें क्रिएट करवा सकते हैं। और इस तरह के फैब्रिक लटकन्स को आप काफी वैरायटी में क्रिएट करवा सकते हैं, छोटे बड़े लॉन्ग शॉर्ट या इसमें एक दो चीजें एड ऑन करके बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं इस तरह के फैब्रिक लटकन्स। सो नंबर टू, पॉम्पम लटकन्स। पहले पॉम्पम लटकन्स को सिर्फ वुलन बॉल की तरह लिया जाता था, सिंपल हमारे पास वुलन बॉल्स होती थी, उन्हें हम अलग अलग तरह से क्रिएट करते थे। अब हम पॉम्पम के साथ में बहुत सारे वर्क एड ऑन कर सकते हैं, गोटा वर्क हो गया, जरी वर्क हो गया, बीड वर्क हो गया, इन्हें आप अपने ब्लाउज के साथ में एड ऑन कर सकते हैं, लहंगास के साथ में एड ऑन कर सकते हैं। सो नंबर थ्री, पर्सनलाइज लटकन। इन लटकन्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें दुल्हा दुल्हन तो कस्टमाइज करवा ही सकते हैं, साथ ही साथ दुल्हन की पूरी फैमिली वाले, फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी कोई कस्टमाइज करवा सकते हैं। इसमें तरह की लटकन्स में जो मेन थीम होती है वो नेम एम्बॉस करवाने की होती है, जैसे दुल्हा दुल्हन का नेम एम्बॉस करवा लिया, अगर लड़के वालों की तरफ से है तो कुछ लड़के से रिलेटेड एम्बॉस करवा लिया, और भी कुछ पर्सनल कोट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरह की लटकन को आप हर लेंथ में कस्टमाइज करवा सकते हैं, शॉर्ट लेंथ हो गई, पूरा आपका लहंगा कवर करने वाली लेंथ हो गई, हर वैरायटी में इन्हें बनवाया जा सकता है। सो नंबर फोर, मेटल और वुडन कटआउट लटकन। इस तरह की लटकन्स ब्राइडल लहंगा में अभी बहुत ज्यादा देखी जा रही है, इसमें अलग अलग तरह के वुडन कटआउट्स यूज किए जाते हैं जो आपके लहंगा को और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाते हैं। इस तरह के लटकन्स में आप फ्लावर कटआउट्स यूज़ कर सकते हैं, बर्ड कटआउट यूज़ कर सकते हैं, एलिफेंट कटआउट यूज़ कर सकते हैं, बाइसिकल कटआउट यूज़ कर सकते हैं, और भी आपकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आप हर तरह के कटआउट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो नंबर फाइव, बैंगल लटकन्स। इस तरह की लटकन बैंगल का शेप लिए होती है, बैंगल के साथ में हमने काफ़ी सारे DIYs किए हुए हैं ऑलरेडी, तो इस तरह का बैंगल का शेप लिए होती है, इसमें आप अलग अलग कलर्स के साथ में बैंगल को क्रिएट करवा सकते हैं, इसमें आप गोटा वर्क ऐड करवा सकते हैं, पॉम्पम ऐड करवा सकते हैं, टैसल ऐड करवा सकते हैं, इन्हें आप अपने ब्लाउज के साथ में, लहंगास के साथ में इजीली मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कठपुतली लटकन, जिसमें कठपुतली की आकृतियां होती है, मिरर वर्क लटकन जिसमें ओवरऑल मिरर वर्क होता है, गोटा वर्क लटकन जिसमें गोटा वर्क किया जाता है, आर्टसी लटकन जिसमें अलग अलग तरह का आर्ट वर्क होता है, सो इन लटकन्स के साथ में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक ट्राई दे सकते हैं अपने ब्राइडल लुक में। दैट्स इट फॉर टुडेज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।